हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे एक्सपेरिमेंट विद फूड्स एंड ड्रिंक्स। सो ये है पार्ट टू ऑफ हैशटैग कुक विद अमीशा। तो जो ड्रिंक के साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे वो ड्रिंक है ग्लूकॉन्डी। तो मैंने ग्लूकॉन्डी का ऑरेंज फ्लेवर लिया है, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हो। और अगर ये अच्छा हुआ तो आप प्लीज़ ट्राई करना, अगर मैं रिकमेंड करूँगी तो ठीक है, तो फेल हुआ तो मत ही ट्राई करना। सो ये लेमनेड, सॉरी नींबू, इसको हम लोग इसमें डालेंगे। सो आप समझ ही गए होंगे जो एक्सपेरिमेंट कर रही होंगी इसके साथ, ग्लूकॉन्डी में नींबू डालना, ओ माय गॉड कैसा होगा। सो देख सकते हो इसका क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा हो गया है। सो पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, अब ट्राई करती हूँ। खट्टा है, मतलब अच्छा है, ज़्यादा खट्टा हो गया। एक काम करती हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा ग्लूकॉन्डी डाल के देखती हूँ। मैं थोड़ा सा ही डाला है, ठीक है, मिक्स कर देती हूँ। जिन जिन लोगों ने मौसमी खाई होगी ना, खट्टी वाली एकदम खट्टा वैसा ही लग रहा है टेस्ट, और जिसको खट्टी वाली मौसमी पसंद है उसको ही अच्छी लगेगा। मुझे तो अच्छी नहीं लग रहा, मैं एक काम करती हूँ थोड़ा सा और डाल के देखती हूँ, अगर अच्छा हो जाए तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं एक काम करती हूँ, एक फुल स्पून डाल देती हूँ। ये हाफ और ये भी हाफ। इसको मिक्स करते हैं। ये मतलब काफ़ी हद तक ऑरेंज और खट्टापन मौसम भी जैसे ही लग रहा है। मुझे तो अच्छा लगा, मतलब पहले उतना अच्छा नहीं लग रहा था, अब थोड़ा सा इसका टेस्ट ऐसे आ रहा है ना, पहले आप टेस्ट करोगे। सो ठीक ही है। क्या बोल रही थी, हाँ आप जो उसको पहले टेस्ट करेंगे थोड़ा सा मीठा लगेगा, लेकिन लास्ट में फिनिश करने के बाद बड़ा आपको खट्टा लगेगा। इसके साथ थोड़ा सा जो कुरकुरे का पॉपकॉर्न आता है ना वो आ जाए तो अच्छा हो जाए। वाओ, चलो अब इसके साथ भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। बताओ क्या, मेयोनीज। सो ये भी थोड़ा सा खट्टा लगेगा शायद। सो मैंने इतना मेयोनीज लिया है। ठीक ही है। सो आप दोनों को ट्राई कर सकते हो, इसको तो मैं रिकमेंड नहीं करती। बाय।